राजस्थान में सियासी घमासान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं में लगी हुई है, वहीं मुख्यमंत्री खेमा और पायलट खेमा अभी भी विधायकों के साथ होटलों में हैं। रक्षाबंधन का पर्व मनाया, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए रक्षा हो रही है। लोकतंत्र अभी भी बंधन में पड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लगता है स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी मिलेगी। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों में कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरह के शब्द बाण चलाए, देखिए हमारी ये खास पेशकश। आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हम दे चुके हैं, दे रहे हैं। दुख इस बात का है कि रक्षाबंधन के दिन भी हमारे माननीय विधायकों को घर जाने से वंचित होना पड़ा। इस बात का मुझे दुख है और ये की उपस्थिति मैंने आप सबको मालूम है। हमारी सबकी प्रायोरिटी है देश में लोकतंत्र मजबूत बने। हम सबके देशवासियों की हो, प्रदेशवासियों की हो, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता पूरे खेल को देख रही है। जिस रूप में सरकार को टॉपर करने का प्रयास किया गया, ये तीसरा अटैम्प्ट था। ये दो अटैम्प पहले हो चुके थे और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश का सबको मालूम है, राजस्थान के अंदर और बड़े रुपये की तैयारी थी। इतना बड़ा गैप है तब भी बेशर्मी से कोई शर्म ही नहीं आ रही थी कि कहाँ तो 73 और कहाँ 122 हमारे पास थे। तभी गेम खेला गया धनबल के आधार पर, वो मैं कई बार कह चुका हूँ, और ट्रेडिंग बड़े रुपये की गई, अभी भी की जा रही, अभी भी डिलीवर आते हैं और क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, सब जानकारी आता है वहाँ पर हमारे पास। तो ये खेल देख रहा पूरा मुल्क देख रहा है। और अल्टीमेटली जो भारत सरकार में बैठे हुए नेता हैं, जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ, मैं नहीं समझता कि जनता की नज़र से कोई बचेगा। अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई हमारे साथ में है, जीत असली सच्चाई की होगी, मैं कह सकता हूँ। सर, तीन मंत्रियों के नाम लिए, वो मौन है, वो खंडन भी नहीं कर रहे, खुद को ही मान रहे आरोपी का, न किसी तरह की कार्रवाई कर रहे हो। और भी कई षडयंत्र में कई लोग शामिल हैं, इसलिए नाम लिए मौन रखना आप समझ सकते हो, क्यों रखते मौन। और जिस रूप में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री जी ने जो गेम प्ले किया, ओवर एम्बिशियस बन करके, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। वो तो पूरे मैदान में कूद पड़े, सारी राजस्थान की परंपराओं को और यहाँ की जो मिजाज है लोगों का, पॉलिटिशियन का, उसको भूल गए। क्योंकि नए नए MP बन गए, फिर जल्दी चांस मिल गया मंत्री बनने का केंद्र में, तो जल्दबाजी होगी उनको। इसीलिए मैंने कहा कि टेको बन के पहले वो धराशाई खुद ही हो गए। अब चाहे उनकी पार्टी कितने सोच ले उनके बारे में, जनता कभी उनके नाम को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति को पूरी चुनी सरकार को टॉपल करने के गेम में शामिल हो, जो खुद इसके में फंसा हुआ हो, वो कौन सी सोसाइटी में, नाम भूल जाता हूँ बार बार, संजीवनी सोसाइटी में फंसा हुआ हो। पूरा खेल किस प्रकार से खेला गया, दुख इस बात का है कि छापा तो उनके यहाँ पड़ना चाहिए, CBI का भी या आपके ED का भी, पड़ रहा उन लोगों के ऊपर जिनके नाम, जिनके संबंध, जिनके रिश्ते में लोग जुड़े हुए हैं, बेवजह पड़ रहे हैं, कोई कारण भी नहीं है। इस प्रकार की जो हालात देश में बन चुके हैं, ED को लेके, CBI को लेके, CBI को, ED को, इनकम टैक्स को लेके, बहुत दुखद और बहुत डरावना है। ये सब डरे हुए लोग हैं, टेलीफोन पर बात करने चाहते हैं, भाई फेस टाइम पा रहे हैं आप, पूरा देश ये कर रहा है, तो कैसे कब तक बर्दाश्त लोग करेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इनको समझना पड़ेगा, खेल को खेलना बंद करो, जो चुनी सरकार को चलने दो,
केंद्र सरकार पूरा सहयोग करे, क्योंकि कोविड की लड़ाई लड़ी है असली में किसी ने, तो प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार ने कोऑर्डिनेट किया है, हमने उसको अप्रिशिएट किया, परंतु असली लड़ी लड़ी है राज्यों की सरकार ने। सीधा रास्ता उनसे पड़ता पब्लिक का, जीवन बचाने का, आजीविका बचाने का काम किया तो राज्य सरकार ने किया है, आम जनता ने किया है, सबके सहयोग से राजस्थान में हुआ है। और फिर ऊपर से उस वक्त में भी जब कोरोना अभी तक गया नहीं है बल्कि फैल रहा है, उस दरमियान में अगर आप ये हथकंडे अपनाओ टॉपर करने का, उसको जनता कैसे माफ कर सकती है, मेरा मानना है। सर, बीजेपी के जाल में जो ट्रैप भटक के गए विधायक, अब उनके थोड़े बयान आ रहे हैं कि हम विधानसभा में आएंगे, कहीं आतंकवादी महसूस हो रही है, रणनीति बदल रहे हैं, पक्ष में वोट देने जैसी बात आ रही है। देखिए तो वो जाने उनका स्टेटमेंट आया, वो जाने उनका गंभीर जाने, मैं तो एक बेताब कह चुका उनके बारे में कि ये फैसले हम तो करते नहीं हैं, उनका किसी संपर्क में मुझे मालूम नहीं है। हाईकमान जो फैसला करता है हम जैसे अनुशासित सिपाही को तो वो मंजूर होता है, ये बात। सर, उनके क्षेत्र में खूब कॉलेजें खुली है, खूब विकास कार्य हुए, खूब कॉलेजें खुली है, इसी सेशन में आपने कॉलेज खोलना है, विकास करना है। अगर वहाँ के MLA ने मान लीजिए रिवोल्ट किया है, इसको आप असंतुष्ट गतिविधि नहीं कह सकते, उसको कहना ये रिवोल्ट किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके क्षेत्रों की जनता की भले के काम करूँ। जनता ने जगह शुरू किया, जनता ने उनको जीता के भेजा था विधानसभा के अंदर, अगर उन्होंने मान लीजिए ना इतना की लगी मुझसे, उनका बदला जो है, यह कहना चाहिए कि उनके कारण से जनता सफर नहीं करनी चाहिए, मेरा सोच हमेशा रहा है। कोविड को लेकर प्रधानमंत्री को दोबारा खत लिखा है कि मुख्यमंत्रियों से दोबारा संवाद किया, इसके बारे में ये कहना है कि दो दिन का सम्मेलन करें, वापस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, क्योंकि जब एक दिन करते हैं तो 8-10 मुख्यमंत्री बोल पाते हैं, और दो दिन करते हैं तो फिर सब मुख्यमंत्री बोल पाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक सम्मेलन होना चाहिए। सर, राजस्थान की जनता भी चाहती है कि चुनी हुई सरकार को गिराना गलत है, आप कहते हो मैं जाता हूं तो मुझे विक्ट्री के चिन्ह दिखाते हैं, बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, बीजेपी के भी लोग कहते हैं चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करना गलत है। आप ठीक कह रहे हैं कि जनता के घर घर के अंदर आक्रोश है, वो देख रहे हैं, आक्रोश इतना भयंकर है ये कल्पना नहीं कर सकते, इनके प्रति जो प्यार मोहब्बत भाईचारा और आदर भाव होना चाहिए थे विधायकों के प्रति, मैं समझता हूँ कि उस पर कमी आएगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भड़काने का काम करूँ जनता को, पर मैं कमी आएगी क्योंकि इंसान जो होता है वो देखता है कि हमारे विधायकों ने इस प्रकार का ट्रीटमेंट क्यों किया, जबकि उन सबके वहाँ काम ज़्यादा हो रहे थे। जो विधायक गए हैं उनकी शिकायत कोई थी नहीं कामों से, अब क्योंकि बाड़ा बंद में बैठे हुए वहाँ पर, इसलिए जानपुर के कहने हमारे काम नहीं हो रहे थे, हम असंतुष्ट थे, आज तक कोई शिकायत उन्होंने करी नहीं, बल्कि तारीफें करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तारीफ करी, मिलते थे तो तारीफ करते थे, कोई उनको शिकायत नहीं थी, पर अब शिकायतें पैदा करने का प्रयास करते हैं। जनता मैं समझता हूँ कि सब देख रही है, और इसीलिए मैंने कहा हम जब निकलते हैं तो थड़ी पर दुकान पर चौराहे पर खड़ी जनता विक्ट्री के साइन करती है, हाथ वेव करती, क्यों कर रही है, जनता समझ रही हो क्या राजस्थान के अंदर, एक महीना ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए आज जब बसें जाती है या कारों में जाते हैं तो लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वास्तव में तमाशा बीजेपी ने बहुत भयंकर किया है, अनैतिक किया है, चुनी सरकार को टॉपल करने का काम किया है, और जनता यहाँ बीजेपी को माफ भी नहीं करेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री खेमे में महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रक्षा सूत्र बांधे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने एवं राजस्थान में लोकतंत्र बचे इसके लिए मंगल कामना की। आप देख रहे हैं ये नज़ारा जैसलमेर की होटल का है, जहां पर महिला विधायक मुख्यमंत्री के राखी बांध रही हैं, सभी में उत्साह दिख रहा है, लेकिन चिंता की लकीरें भी देखी जा रही हैं।
आने वाले समय में क्या होगा यह तो समय ही बताएगा।